वेलकम बैक गाइस, दिस इज शशांक सिंह। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो यार, यहाँ पर जो है एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ होने वाली है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। एक या दो सालों में ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। तो यहाँ पर ये जो 2020 एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यार, बात करते हैं कि ये जो हमारा अभी तक का एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारा है 34 साल पुराना, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। और तब की जो चीज़ें हैं वो आज भी उसी तरह से पढ़ाई जा रही हैं। मतलब अगर हम देखें हायर स्टडीज़ में, कॉलेजेस की बात करें, वहाँ पर हम जो टेक्नोलॉजी आज भी पढ़ रहे हैं, जो 34 साल पहले पढ़ते थे। यार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है कि जो 34 साल की चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उसको जो है कम किया जाए। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पढ़नी है, क्योंकि आपको बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक आप आगे की चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन बेसिक चीज़ों के साथ साथ आपको जो आज की जो इंट्रोड्यूस जो चीज़ें हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और उनका जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ पढ़ करके आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। मैं क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो खुद जो इंजीनियरिंग करके और यार घर में बोर्ड में जो वायरिंग वगैरह का काम होता है, मतलब छोटे मोटे वायरिंग के लिए, जैसे सपोज बल्ब लगाना हो गया, फैन लगाना हो गया, इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो ये जो सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आपके लिए ये जो चीज़ काफ़ी छोटी होनी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बोर्ड की वायरिंग नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो है, जो हमारा जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का डिसीज़न लिया है और एक या दो सालों में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दें। तो यार, एक सिचुएशन लो। एक बच्चा 12th किया, 12th के बाद से उसने जेई की प्रिपरेशन की, उसमें सपोज एक या दो साल लगे, फिर उसने कॉलेज में 4 साल निकाले अपने। वहाँ पर उसके कॉलेज से निकलने के बाद भी इस बात की सियोरिटी बहुत कम है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले। यार, ये जो है कुछ बड़े चैलेंजेस थे, बड़ी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही थी पुराने एजुकेशन सिस्टम से। अब जो है उसको दूर करने के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें जो है हमारा जो 10+2 का जो है सिस्टम था, उसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 सिस्टम से। तो यहाँ पर यार, जो हमारा 10+2 सिस्टम था, उसमें क्या था कि जो आपका 10 था वो एक अलग था और 12th था, 11th और 12th अलग था। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आपका रहेगा स्टार्टिंग का 5 ईयर्स, यानी कि जब बच्चा 3 साल का होगा तब से लेकर के 18 साल तक का, उसको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। और यार, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है कि अभी तक जो स्टूडेंट हैं वो हायर एजुकेशन में 25% ही पहुँच पा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने 2035 तक ये टारगेट रखा है। ये जो है, जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, ये नंबर जो है डबल हो जाए, यानी कि 50% करने के लिए। तो ये तभी होगा जब जो है बच्चों को जो है 3 साल से 18 साल, यानी कि जो क्लास स्टार्टिंग के नर्सरी से लेकर के हैं, वो जो है 12th तक के फ्री में एजुकेशन मिले। और कम से कम बच्चों को इतना कैपेबल बना दिया जाए कि 12th के बाद उनके पास वो इतना एबल हों कि वो कुछ ना कुछ कर सकें। तो यहाँ पर जो आपका 5 स्टार्टिंग का जो 5 ईयर्स हैं, वो बच्चे के लिए उसमें रहेगा आपका जो 3 साल रहेगा, और फिर उसमें रहेगा आपका क्लास 1st और 2nd, जो आपको पूरे 5 साल कवर करेगा। इसमें जो है प्री स्कूलिंग और क्लास 1st और 2nd, इसमें इनका मेन फोकस रहेगा कि बच्चे को कोई एक लैंग्वेज पढ़ना आ जाए उसके बारे में, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट नंबर देखे तो उसको जो है आइडेंटिफाई करना आ जाए उसे। फिर जो है, और एक चीज़ इन्होंने ये किया है कि जो भी चीज़ें सिखाएंगे वो जो है खेल कूद के माध्यम से सिखाएंगे,
ज़्यादा फोकस होगा कि खेलकूद के माध्यम से सीखा। उसके बाद से आता है क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इसमें इनका फोकस रहेगा कि बच्चे को जो है साइंस सोशल साइंस आर्ट मैथ ये सब चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाए। और यहाँ पर भी एक चीज़ की और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, स्कूल चाहे तो ये सारी चीज़ें जो है रीजनल लैंग्वेज में सिखा सकता है, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर बच्चे को रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए तो वो काफ़ी जल्दी सीख जाता है चीज़ों को। इसलिए इन्होंने स्कूल को फ्लेक्सिबिलिटी दी कि आप इस चीज़ को रीजनल लैंग्वेज में भी सिखा सकते हो, इंग्लिश में सिखाना कंपलसरी नहीं है। अब जो है सबसे मज़ेदार चीज़, जो क्लास सिक्स में बच्चा जब पहुँचेगा तब जो है उसको सिखाया जाएगा कोडिंग, और ये जो कोडिंग है वो कंपलसरी रहेगी। तो यहाँ पर जो कोडिंग है ये कॉन्सेप्ट लाने का मेन मकसद इनका ये है कि आने वाले टाइम में कोडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और इससे जो है एक बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। यानी कि जो आज का बच्चा जब कॉलेज में जा कर के जो कोडिंग सीखता है, अब जो है न्यू एजुकेशन सिस्टम से जो बच्चा हो रहेगा वो जो है क्लास सिक्स में ही कोडिंग सीखेगा। सोचो कितनी मज़ेदार चीज़ होने वाली है। उसको जो इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि वो किसी इंडस्ट्री में जा कर के 10 या 15 दिन के लिए कुछ टाइम के लिए स्कूल, उसको एक स्कूल के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चे को वहाँ पर भेज सकता है और वो जो है इतने टाइम के लिए वहाँ पर काम कर सकता है इंडस्ट्री में। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चे के नॉलेज बढ़ेगी, एक तो वो प्रैक्टिकल जो भी सीखा है उस पर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी बढ़ेगी, और ये चीज़ सीखेगा कि आखिरकार इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। जो कि आज का बंदा जो है एक कॉलेज का बंदा वो आपके सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाकर के एक इंटर्नशिप करता है और उसको तब जाके चीज़ें पता चलती हैं कि आखिरकार इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, और आज का बच्चा उसको पता चल जाएगा सिक्स या सेवन्थ में ही रहेगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है जो कि आज के बच्चे को कॉलेज में जाकर के मिलता है, ये जो है बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। और प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा, न कि रटने वाली चीज़ों पे। यानी कि जो आज के टाइम पर रट करके लोग मार्क्स ज़्यादा लाते हैं उसकी वैल्यू कम की जाएगी, और जिसके पास जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा वो उतना बेटर होगा, और ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। अब एक और मज़ेदार चीज़ जो होने वाली है वो ये है कि अगर अब 9th से 12th तक का जो बच्चा है उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो अगर चाहे तो साइंस से कोई सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स का ले सकता है, आर्ट का ले सकता है, मतलब उसके पास ये फाउंडेशन नहीं होगी कि तुम अगर साइंस लेना चाहते हो तो तुम्हें ये सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, उसके पास इतनी लिबर्टी है कि वो साइंस से भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स से भी ले सकता है, आर्ट से भी ले सकता है। और उसके पास जो है वर्चुअल लैब्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाएंगी, यानी कि प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है जो एग्ज़ाम्स साल में एक बार होते थे, अब यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स दो बार होंगे। जैसे हमारे सेमेस्टर कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर जैसे सेमेस्टर होते हैं ऐसे अब यहाँ पर जो है 9th, 10th, 11th और 12th वालों के एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि साल में दो बार हो जाएंगे एग्ज़ाम। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उनके नंबर्स को रिड्यूस किया जाएगा। और अब तक क्या होता था कि जो भी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होता था वो सिर्फ टीचर मार्क्स के बेसिस पर तैयार करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें ये देखा जाएगा कि उस जो स्टूडेंट का मानसिक क्षमता क्या है, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो है परफॉर्मेंस क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सब चीज़ों के बेस पर उसको जो है रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। और एक चीज़ है कि जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो 360 असेसमेंट के बेस पर दिया जाएगा, यानी कि अब जो है असेसमेंट जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उसमें जो असेसमेंट होगा वो सिर्फ टीचर नहीं करेगा, वो जो स्टूडेंट हो खुद अपना असेसमेंट करेगा, उसके फ्रेंड्स करेंगे और टीचर करेंगे। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि जो टीचर का वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और बाकी जो है यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट खुद अपना असेसमेंट करेगा और उसके फ्रेंड उसके असेसमेंट करेंगे।
यार काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद से आते हैं फिर कॉलेज में। यार यहाँ पर जो कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर भी आपको आपके अपने स्ट्रीम के साथ एक माइनर स्ट्रीम लेने का भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या फिर कोई किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीए बीटेक समथिंग कुछ भी कर रहे हैं तो आपके पास इतनी लिबर्टी होगी कि आप जो है फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं साथ में। और यहाँ पर जो है कॉलेजेस के लिए मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का मतलब है कि एक बच्चा अगर वो चाहे तो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद भी कॉलेज छोड़ सकता है और उसके जितने क्रेडिट्स होंगे उसके एकेडमिक बैंक में वो क्रेडिट्स सेव किए रहेंगे। जैसे कि आप बैंक में जाते हो और जो कुछ पैसे वहाँ पर सेव कर देते हो, ठीक है, तो आपके वो पैसे पड़े रहते हैं। ऐसे ही आपका क्या होगा कि आपने एक साल में जितने भी क्रेडिट्स आपके हैं पूरे सब्जेक्ट्स के जो जो हैं वो सभी आपके सेव रहेंगे। और जब आपका मन होगा एक साल दो साल बाद, अभी इन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि ये कितने साल के अंदर आप जो है फिर से आकर के स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपके कुछ टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर आप जो है आकर के फिर से अपनी वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और आपको वो फर्स्ट ईयर से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, आपने जहाँ से छोड़ा था उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर एक बच्चा फर्स्ट ईयर में अपना इंजीनियरिंग छोड़ देता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ देता है, उसको सेकंड ईयर से दाखिला मिल जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं उसको जो है स्टार्टिंग में ही बतानी पड़ेगी कि वो एक साल बाद आएगा या दो साल बाद आएगा। ऐसा नहीं है कि आप गए और जब मन हुआ चार साल बाद पाँच साल बाद आप आकर के वहाँ पर बोल दिए कि मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में कि मुझे जो है दो साल बाद यहाँ पर एडमिशन चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। फिर जो है अगर बच्चा सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो उसको जो है डिप्लोमा मिलेगा, और अगर वो थर्ड ईयर में छोड़ता है तो थर्ड ईयर में आपको यहाँ पर जो है बैचलर्स की डिग्री मिलेगी थर्ड ईयर में। और अगर आप जो है रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हो आप जो है, आपके लिए चौथा साल है, आप जो चौथे साल में सिर्फ रिसर्च कर सकते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। और यहाँ पर यार जो है क्रेडिट्स की बात करें तो क्रेडिट्स का मतलब होता है कि आपको जो इंजीनियरिंग होता है तो वहाँ पर उसको उसकी डिग्री लेने के लिए, बैचलर्स की डिग्री लेने के लिए आपको कुछ नंबर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं जिनको कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ ये जो क्रेडिट्स होते हैं वो हर एक सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ होते हैं, किसी के दो क्रेडिट्स होते हैं, किसी के तीन और किसी के चार होते हैं, इस तरह से अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। तो जब एक बंदा फर्स्ट ईयर में होता है तो उसने जितनी सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं उन सब के जो सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट्स हैं वो जब वो कंप्लीट कर लेता है, उसमें पास हो जाता है, तो क्रेडिट्स उसके अकाउंट में रहेंगे, जो कि जब वो स्टार्ट करे अगली बार पढ़े तो उसके जो अकाउंट में पड़े क्रेडिट्स वो उसमें ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है रिसर्च पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो यहाँ पर रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं होता है। अगर टॉप IITs, NITs और IIITs को छोड़ दिया जाए तो अभी तक जो मुझे पता है उसमें ऑलमोस्ट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे जो है प्रैक्टिकल्स यानी कि रिसर्च की सुविधा नहीं है। और जहाँ पर है वहाँ पर फैकल्टीज अच्छे नहीं है। जब फैकल्टीज अच्छे नहीं है तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। तो आप इस चीज़ पे ये लोग बढ़ावा देंगे कि जो आपका रिसर्च है इसके लिए फैकल्टीज अच्छे हों, जो सुविधाएं अच्छी हों, जिससे कि एक बंदा रिसर्च अच्छे से कर सके और कुछ चीज़ें इनोवेट कर सके। एक और अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनके फीस पे कैप लगा दिया है, मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर ये जो है ज़्यादा फीस नहीं चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक सर्टेन अमाउंट रहेगा उससे कम ही ये लोग फीस जो है चार्ज करेंगे। और यहाँ पर जो है
अभी तक जो है टोटल जीडीपी का 4.4% एजुकेशन के लिए यूज हुआ होता था, लेकिन अब जो है ये बढ़ करके 6% हो जाएगा। और इसके बाद से आपका एमटेक जो है 1 या 2 साल का होगा, फिर पीएचडी से पीएचडी 4 साल के, उसमें से एमफिल को हटा दिया गया है। तो ये रहा कुछ ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, और देखते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाता है। अगर ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो आई होप कि जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो सकता है कम हो जाए। तो ये थी कुछ मज़ेदार चीज़ें जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।